सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक फिबोना की लुकिंग प्रॉब्लम करने वाले हैं। जैसे फिबोना की सीक्वेंस में क्या होता है, ए वन इक्वल टू वन, ए टू इक्वल टू वन एंड ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। हमारे प्रॉब्लम में है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन इंटू ए एन माइनस टू। सो ये प्रॉब्लम आज बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इसलिए इसे मैंने फिबोना की लुकिंग प्रॉब्लम कहा। जैसे कि फिबोना की सीक्वेंस के लिए हमने एक फॉर्मूला ढूंढा था, बेनेट्स फॉर्मूला, जो कि डायरेक्टली nth टर्म कंप्यूट करता है। आपको प्रीवियस के टर्म्स नहीं कंप्यूट करने पड़ते हैं। तो वैसे ही आज हम इसके लिए ट्राई करने वाले हैं। सो बेसिकली इसके लिए ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा, कि एक तो हम इसे ट्राई करेंगे कि सिंपलर बने। तो मैं मान लेता हूं कि कोई एक सीक्वेंस है बी एन, ठीक है, बी एन कोई अलग सीक्वेंस है जो कि है ए एन प्लस वन, ठीक है। अगर ये मैं मान रहा हूं बी एन इज अ सीक्वेंस वेयर ए इट इज ए एन प्लस वन, तो ए एन किसके बराबर हुआ, बी एन, ये मैंने माना, लेट दिस बी ट्रू, देन ए एन किसके बराबर होगा, बी एन माइनस वन के। तो देखो बी एन माइनस वन क्या हुआ, ए एन, फिर ए एन माइनस वन क्या हुआ, बी एन माइनस वन माइनस वन, प्लस ए एन माइनस टू क्या होगा, बी एन माइनस टू माइनस वन, प्लस ये देखो बी एन माइनस वन माइनस वन, बी एन माइनस टू माइनस वन। ओके, अगर मैंने इस टाइप की एक सीक्वेंस मानी है बी एन, तो बेसिकली मैं इधर इसे सिंप्लीफाई करने की ट्राई करूं, तो देखो एक तो ये माइनस वन यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ। दूसरा बी एन किसके इक्वल है, देखो बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू माइनस वन प्लस, देखो अब हम इन दोनों के प्रोडक्ट को ढूंढने जाए तो बी एन माइनस वन बी एन माइनस टू इसका इससे हुआ, फिर ये माइनस बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू माइनस बी एन माइनस वन माइनस बी एन माइनस टू प्लस वन। सो बेसिकली हुआ क्या, ये माइनस वन वन कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन कैंसिल हुआ, माइनस बी एन माइनस टू प्लस बी एन माइनस टू कैंसिल हुआ। तो ये जो बी एन है वो किसके इक्वल हुआ, बी एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस टू। इंटरेस्टिंग राइट, कि सॉरी ये इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ, हाँ, क्योंकि ये ही टर्म एंड में बचा। तो बेसिकली अभी ये जो नई सीक्वेंस है बी एन, वो एक्चुअली में है क्या कि बी एन में से अगर आप वन सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको ए एन ही मिलेगा। तो बेसिकली ये ए एन ही है, बस एक प्लस वन हमें ऐड करना है। तो अब ये जो नई सीक्वेंस ढूंढी है उससे हमें क्या हेल्प मिल सकती है, क्योंकि अब बी एन के लिए हमें फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा। सपोज हम बी एन के लिए अगर फॉर्मूला ढूंढ ले तो हम ए एन के लिए फॉर्मूला ढूंढ सकते हैं। तो मैं ये करने के लिए अब क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैं मान लेता हूं एक और सीक्वेंस। आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा बट ओके, सी एन जिसे मैं कह रहा हूं लॉग बेस टू बी एन, मतलब पहले मैं इसके दोनों साइड पे लॉग लगा देता हूं। तो ये देखो ये तो हुआ लॉग बेस टू बी एन, और फिर लॉग की प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये बना लॉग बेस टू बी एन माइनस वन प्लस लॉग बेस टू बी एन माइनस टू। तो ये सी एन है, ये सी एन माइनस वन है, ये सी एन माइनस टू है।
और इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, ये सी एन जो है ये एक फिबोनाची सीक्वेंस ही है, वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखो पहली बात तो जैसे कि बी एन क्या था, ए एन प्लस वन, ठीक है, बी एन ए एन प्लस वन था, तो बी वन किसके इक्वल हुआ, टू के, और बी टू किसके इक्वल हुआ, टू के। वैसे मैं बेस कोई भी ले सकता था, मैंने टू क्यों लिया, क्योंकि अब ये जो नई सीक्वेंस बनी है सी वन, वो किसके इक्वल होगी, लॉग बेस टू टू, सी वन होगा लॉग बेस टू टू के बराबर। तो ये बेसिकली क्या है, वन हुआ सी वन, और सी टू भी वन हुआ। तो बेसिकली ये तो फिबोनाची सीक्वेंस ही तो बन गई, सी एन इक्वल टू सी एन माइनस वन प्लस सी एन माइनस टू, और सी वन और सी टू अगर वन है तो ये फिबोनाची सीक्वेंस ही है। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में फिबोनाची सीक्वेंस का के लिए फॉर्मूला ढूंढा था, मैं डायरेक्ट इधर नहीं डालूंगा, हम इस वीडियो में भी इसे प्रूव करेंगे। सो बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा अब डिफरेंट जा रहे हैं। हम मान रहे हैं कि कोई एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल, कोई भी हम एक इक्वेशन मान रहे हैं ऑफ टाइप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये इक्वेशन। ओके, तो इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन है। अगर मैं अब इधर क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या आया, एक्स क्यूब इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ओके, और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि टू एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्ट यही लिख सकता हूँ, टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स, जो कि इधर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये आया थ्री एक्स प्लस टू। जस्ट एक सेकेंड वेरीफाई करने दो। हाँ, सो बेसिकली एक्स क्यूब इसके इक्वल है, एक्स पावर फोर क्या होगा, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यानी कि इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन प्लस टू एक्स, जो कि इधर आप देखो प्लस तो आया फाइव एक्स प्लस थ्री। ओके, तो बेसिकली ये हम देख रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर था तो उसके मल्टीप्लाई में क्या था, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या था, वन, और ये था प्लस वन, फिर एक्स पावर थ्री आया तो टू वन, सॉरी थ्री टू, फिर पावर फोर आया तो फाइव थ्री। देखो फिबोनाची टर्म्स क्या होते हैं, वन वन टू थ्री फाइव, तो ये क्या फिबोनाची सीक्वेंस ही आ रहे हैं कोफिशियंट्स में। हम मान लेते कि पावर एन के लिए ये ट्रू है, हम प्रूफ बाय, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम प्रूफ करने की ट्राई कर रहे हैं कि एक्स पावर एन बेसिकली फिबोनाची सीक्वेंस के लिए ही है। मतलब हम ये कहने की ट्राई कर रहे हैं कि एक्स पावर एन इक्वल टू एफ एन एक्स प्लस एफ एन माइनस वन। ओके, अगर मैंने कहा कि ये पावर एन के लिए करेक्ट है तो हम चेक करें क्या, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं एक तरीके से, हाँ हम इसे प्रूव करने के लिए दोनों साइड को एक्स से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये एक्स पावर एन प्लस वन बन गया, और ये बना एफ एन एक्स स्क्वायर प्लस एफ एन माइनस वन। इधर एफ एन से मेरा मतलब है फिबोनाची सीक्वेंस ही। ओके, तो एफ एन एक्स स्क्वायर प्लस एफ एन माइनस वन, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन के बराबर। और हाँ यहाँ पे एक एक्स है, तो एक तो ये बना एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन एक्स प्लस एफ एन,
यानी कि एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन क्या होता है, एफ एन प्लस वन एक्स प्लस एफ एन। तो बेसिकली अगर किसी पावर एन के लिए ये ट्रू है तो पावर एन प्लस वन के लिए ट्रू होगा। जैसे देखो पावर टू के लिए ये ट्रू है क्योंकि एफ वन वन हुआ, एफ टू टू हुआ, एफ टू भी वन हुआ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसके लिए ये ट्रू हुआ है। तो अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके लिए भी ट्रू हुआ। तो एक्स क्यूब के लिए ये ट्रू होगा क्योंकि हम एक्स स्क्वायर के लिए ट्रू है इसलिए एक्स क्यूब के लिए ये ट्रू होगा, और एक्स क्यूब के लिए ये ट्रू है इसलिए एक्स पावर फोर के लिए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी जनरल पावर एन के लिए ये ट्रू है कि जो कोफिशियंट्स है वो एफ एन प्लस एफ एन और एफ एन माइनस वन होंगे। ओके, ये अभी हमने एक तो समझा है। अब इसको यूज करते हुए हम nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस कैसे ढूंढ सकते हैं। अब nth टर्म ऑफ फिबोनाची सीक्वेंस ढूंढना है तो एक तो अभी हमने ये रिलेशन ढूंढा है कि एक्स पावर एन इक्वल टू एफ एन एक्स प्लस एफ एन माइनस वन। और ये ट्रू किस लिए है, अगर इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन करेक्ट है। अगर ये इक्वेशन करेक्ट है तो ये ट्रू है, एक्स पावर एन इक्वल टू एफ एन एक्स प्लस एफ एन माइनस वन। तो ये इक्वेशन ट्रू कब होगी, बेसिकली ये इक्वेशन ट्रू कब होगी, जब इसके रूट्स हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो वन प्लस और माइनस रूट फाइव बाय टू, तो यानी कि इसके रूट्स क्या क्या है, वन वन प्लस रूट फाइव बाय टू कॉमा वन माइनस रूट फाइव बाय टू। तो बेसिकली एक्स की ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालूं, एक्स की ये वैल्यू मैं अपनी इस इक्वेशन में डालूं तो ये ट्रू होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वन ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा एक्स इक्वल टू जीरो पुट करें तो भी करेक्ट होगा क्योंकि हम दोनों साइड एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो एक एक्स इक्वल टू जीरो और सोल्यूशन आता गया सब में, क्योंकि ये डिग्री एन के है, डिग्री एन का पॉलिनोमियल है तो इसके और सॉल्यूशन जीरोस है। ओके, तो अगर मैं ये दो वैल्यूज इधर प्लग इन करूं तो वन प्लस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन इक्वल टू एफ एन वन प्लस रूट फाइव ओवर टू प्लस एफ एन माइनस वन। और वहीं मैं एक और इक्वेशन बनाना जाऊं तो ये बना वन माइनस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन इक्वल टू एफ एन वन माइनस रूट फाइव बाय टू प्लस एफ एन माइनस वन। तो मैं इन शॉर्ट क्या कर सकता हूँ, दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये दोनों ही इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे को मिला वन प्लस रूट फाइव बाय टू पावर एन माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू पावर एन इक्वल टू एफ एन मल्टीप्लाई। देखो वन प्लस रूट फाइव बाय टू माइनस वन प्लस रूट, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल में रूट फाइव आ गया। तो इससे मैंने ये सब्ट्रैक्ट क्यों किया, ताकि एफ एन माइनस वन कैंसिल आउट हो जाए। तो एफ एन के लिए हमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला मिल गया कि एफ एन किसके बराबर हुआ, वन अपॉन रूट फाइव इंटू वन प्लस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन। ये तो जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ये किसके लिए हुआ, एंथ टर्म ऑफ फिबोनाची, मतलब ये बेसिकली सी एन के लिए फॉर्मूला हुआ जो जस्ट अभी हमने ऊपर सी एन ढूंढा था यहाँ पे, उसके लिए ये फॉर्मूला हुआ। और सी एन के लिए ये फॉर्मूला है तो हमें ये पता है कि सी एन किसके इक्वल है, लॉग बेस टू बी एन। तो बी एन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टू रेस टू सी एन। ओके,
तो टू रेस टू सी एन इधर मैं प्लग इन करूँ तो टू रेस टू वन अपॉन रूट फाइव वन प्लस रूट फाइव वन प्लस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन माइनस वन माइनस रूट फाइव बाय टू रेस टू एन। तो बेसिकली एंथ टर्म बी एन का जो सीक्वेंस है उसके लिए एंथ टर्म ये हुआ। और हमने ढूंढा था कि जो ए एन है एंथ टर्म ऑफ द सीक्वेंस जो कि हमें ढूंढना है वो क्या है बी एन माइनस वन। तो ये जो हमने बी एन के लिए फॉर्मूला ढूंढा है अब हमें बस एक माइनस वन लगा देना है। तो ये जो फॉर्मूला है बेसिकली जो फिबोनाची सीक्वेंस का फॉर्मूला था वो भी कम स्कैरिंग था कंपेरेटिव टू ये जो फॉर्मूला हमने ढूंढा है एंथ टर्म ऑफ दिस न्यू समथिंग लुकिंग लाइक फिबोनाची सीक्वेंस के लिए जो कि क्या है ए एन इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू इंटू ए एन माइनस वन ए एन माइनस टू। सो आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा एंथ टर्म ऑफ अ फिबोनाची लुकिंग सीक्वेंस। वैसे ये एक ओलंपियाड में पूछा गया था आरएमओ और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ओलंपियाड रही थी और ये वन ऑफ द चैलेंजिंग क्वेश्चंस में से है। आपको बहुत ही मजा आया होगा। ओके बाय।